ये आकाशवाणी है। कोविड 19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर राजेंद्र के धमीजा। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना जागरूकता श्रृंखला के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के इस एडिशन के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। भगवान बुद्ध ने कहा था, एक मोमबत्ती से हजारों मोमबत्तियां जलाई जा सकती हैं और इससे उस मोमबत्ती का जीवन कभी कम नहीं होगा। ठीक इसी तरह खुशी भी कभी बांटने से घटती नहीं है। जी हां श्रोताओं, कोरोना के युग में हमें अपने साथ दूसरों का भी ध्यान रखना है। आप खुद जागरूक रहकर दूसरों को भी जागरूक कर सकते हैं। इस तरह एक जागरूक समाज कोरोना के विरुद्ध ढाल बनकर खड़ा हो सकता है। इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि आप मास्क लगाइए, हैंड हाइजीन के साथ सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, क्योंकि बचाव और सावधानी ही कोरोना का इलाज है। श्रोताओं, कोरोना को लेकर आपके मन में चल रहे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं लेडी हार्डिंग्स मेडिकल कॉलेज के न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र कुमार धमीजा। डॉक्टर धमीजा, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार सभी श्रोताओं को। नमस्कार श्रोताओं, अब कोरोना से संबंधित सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट से टोल फ्री नंबर 1800-11-5767 और 01-233-14444 पर पूछ सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो आप हमारे ट्विटर हैंडल @EIRNews पर #AskEIR पर अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर धमीजा, अगर हम कोरोना की जो वर्तमान स्थिति है उस पर अगर एक नजर डालें तो जहां देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 69% से ज्यादा हो गई है, वहीं कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या आज 22 लाख पार कर गई। आज 62,000 से ज्यादा लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। लगातार चौथे दिन 60,000 से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं। आप क्या कारण मानते हैं इसका? ये तो एक चिंता का विषय है ही कि जो हमारा डेली का नंबर है, जो कंफर्म केसेस का जो प्रतिदिन हम देखते हैं जो नंबर आ रहा है, वो 60,000 से ऊपर है और ये विश्व में सबसे ज्यादा है। जी, चाहे हमारे एब्सोल्यूट नंबर्स जो पॉजिटिव पेशेंट्स के 22 लाख हैं और अमेरिका में और ब्राजील का नंबर हमसे ज्यादा है, लेकिन वहां पर भी अभी इतने 62,000 के आसपास केसेज नहीं आ रहे हैं। दोनों कंट्रीज में हमसे कम है, हमारा नंबर विश्व में मैक्सिमम है। इसका यही कारण है कि जो पैंडेमिक जो पिछले 6 महीने से हम देख रहे हैं जी, ये अलग अलग समय पर अलग अलग हिस्सों में जा रहा है देश के। और जैसे ये शुरुआत हुई केरला से, फिर मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद और ऐसे इलाकों में फैला जी, जहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, वहां पे हमने मिटिगेट करके कंटेन करके कोशिश की। तो फिर ये रीजनल जो जगह है, जैसे माइग्रेशन हुई, जैसे लोगों की मूवमेंट शुरू हुई, तो उसके साथ साथ ये जो है देश के दूसरे हिस्सों में गया वायरस जो है, और वहां पे ये नंबर सब बढ़ने लगे। अभी हम इसके लिए पॉजिटिव एक ज्यादा आने का कारण ये भी है कि हम टेस्टिंग भी ज्यादा कर रहे हैं। जब ये महामारी की शुरुआत हुई थी तो हमारे पास केवल एक ही लेबोरेटरी थी, प्रयोगशाला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में, और आज की तारीख में 1500 से आसपास जो है हमारी लेबोरेटरीज हैं और हम करीबन 7 लाख टेस्ट प्रतिदिन कर रहे हैं। जी, तो हम जितने ज्यादा टेस्ट करते हैं तो ये भी एक कोई रहती है संभावना कि पेशेंट्स भी ज्यादा जो है पकड़ में आते हैं। पेशेंट्स की पॉजिटिविटी भी जो है, चाहे वो परसेंटेज कम रही हो क्योंकि नंबर ऑफ टेस्ट ज्यादा हैं, लेकिन एब्सोल्यूट नंबर्स जो है ज्यादा रहते हैं। और डॉक्टर धमीजा, एक इसका कारण ये भी मानते हैं कि आज के युग में लोगों में इसके प्रति जागरूकता ज्यादा आ गई है। पहले लोग थोड़ा डरते थे टेस्ट कराने में, सामने नहीं आते थे, लक्षण आने के बाद भी इसको छुपाने की कोशिश करते थे, लेकिन आज की डेट में लोग खुद से आगे बढ़ के टेस्ट कराने आते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये हमारे शुरुआत में एक स्टिग्मा था कि लोगों को डर लगता था कि अगर हमारा टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो हमें पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट वाले जो है लेके जाएंगे और क्वारंटाइन में रखेंगे और जो है घर पे बाहर पर्चा लगेगा और ये सब लोगों को पता लगेगा। तो धीरे धीरे लोगों को जब ये पता लगा कि ये भी एक बीमारी है दूसरी बीमारियों की तरह, और इससे जो है अगर आप वॉलंटियर नहीं करेंगे, अगर आपको तकलीफ है और आप टेस्ट नहीं कराएंगे
तो आप एक सुपर स्प्रेडर या कुछ भी जो है आगे दूसरे लोगों को फैलाने के लिए एक सोर्स बन सकते हैं। तो ये जागरूकता बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुद तो बीमार हैं ही लेकिन दूसरों को बीमार ना करें, तो उसमें हमारी जो है सिटीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और हमारे नागरिकों का ये कर्तव्य है जी। जैसे सरकारें अपना काम कर रही हैं, जैसे हॉस्पिटल्स अब डॉक्टर्स सब लोग लगे हुए हैं, तो कम्युनिटी का भी और सिटीजन्स का भी ये कर्तव्य है कि वो भी आगे आएं और सरकार का साथ दें और सभी इंस्टीट्यूशंस का साथ दें और जो उनकी जिम्मेवारी है वो अपनी जिम्मेवारी जो है अपना कर्तव्य निभाएं। जी डॉक्टर धमीजा, बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कही कि जो पब्लिक पार्टिसिपेशन या जन भागीदारी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, भागीदारी नहीं रखेंगे, तो हम कोरोना महामारी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए शायद जैसा कि हम आपसे बात कर रहे थे कि लोग खुद से सामने आ रहे हैं इस बीमारी का टेस्ट करवाने के लिए, और आप देखें तो पिछले दिनों जिन बहुत सारे सेलिब्रिटीज और हमारे बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स को जिनको कोरोना हुआ, इसके बाद खुद ट्वीट करके उन्होंने इस बात की जानकारी दी, वो साहस किया कि लोगों को खुद से बताया कि मैं इस समय पॉजिटिव हो चुका हूं और मेरे संपर्क में आए लोगों को क्वारंटीन हो जाना चाहिए। तो ये एक संदेश आम लोगों में गया और लोगों को लगा कि ये किसी को भी हो सकता है, इसमें छिपाने जैसी कोई बात नहीं हो सकती। क्या कहेंगे आप? देखिए, वायरस जो है वो कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है कि चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो यूके का, चाहे वो किसी भी देश का गृह मंत्री हो, या सिल्वर स्क्रीन पे आने वाले सुपर स्टार हो, चाहे वो कोई भी सेलिब्रिटी हो, तो सभी को हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, तो इसमें बीमारी की तरह है और ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कर्तव्य निभाया हमारे देश के रोल मॉडल्स ने, जो लीडरशिप है कि देखिए जो भी मेरे संपर्क में आया है वो अपने अपने टेस्ट कराएं ताकि वो औरों को मत फैलाएं। जी, अगर आपके संपर्क में कोई आया है जो मरीज है तो उसका ये कर्तव्य बनता है कि बाकी लोगों के जो एक्सपोजर हुआ है तो वो उनको भी सचेत करें और लोग अपना अपना ध्यान रखें और टेस्ट कराएं अगर अगर वहां पे जरूरत पड़ती है। तो एक बहुत अच्छा संदेश गया है कम्युनिटी में, पब्लिक में, कि वायरस जो है किसी को भेदभाव नहीं रखता है और वायरस हमेशा चेंज करता है। तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम वायरस को चेंज ना होने दें, हम वायरस को चेंज करें, हम प्रोएक्टिव रहें ताकि वायरस जो है अपनी चेन को, हम उसकी चेन को ब्रेक कर सकें और ये महामारी को कहां पे जहां से जिस ट्रैजेक्टरी में चल रही है उस पे हम कंट्रोल कर सकें। बिल्कुल, हम संक्रमण की चेन को तोड़ सकें, डॉक्टर धमीजा ने हमें बताया। और डॉक्टर साहब, ऐसा देखने को आ रहा है कि जो कोरोना वायरस के एक्स्ट्रा पल्मोनरी मैनिफेस्टेशन की बात अगर हम करें तो अब ये एक रेस्पिरेटरी ही रोग नहीं रह गया है बल्कि इसके दूसरे अंगों में भी मैनिफेस्टेशन देखे जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? और आप खुद एक न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट को हेड करते हैं, तो आपके सामने किस तरह के मरीज आ रहे हैं और क्या नए लक्षण आ रहे हैं लोगों के अंदर? शुरुआत में ही जब ये महामारी, वैश्विक महामारी फैली, तो तब ये फोकस था कि बुखार है या सांस लेने में दिक्कत है या सूखी खांसी है। तो जैसे जैसे हमें इसके बारे में लर्निंग कर्व में हम आए, जैसे जैसे हमें पता लगा महामारी के बारे में जी, इसके दूसरे रूप देखने को मिले, तो ये इट इज नॉट जस्ट कफ फीवर एंड ब्रेथलेसनेस, इट इज मच मोर देन दैट। एंड इसका जो एक कॉमन फैक्टर है जी, वो वायरस जो है वो ACE2 रिसेप्टर्स जो है हमारे जी सेल्स के ऊपर, उनमें जाके अटैक करता है। जैसे आप चाबी जो है आपके हाथ में वो ताले को खोलते हैं, ऐसे ही ये वायरस जो है उन रिसेप्टर्स पे चिपक जाता है, वो सेल का दरवाजा खुलता है और वायरस जो है सेल के अंदर जाके मल्टीप्लाई करता है। तो ये देखा गया है कि ये जो सेल पे रिसेप्टर्स हैं, ACE2 रिसेप्टर्स जो हैं, ये फेफड़ों में हैं, हमारे हार्ट में हैं, ब्रेन में हैं, ब्लड वेसल जो धमनियां हैं जो खून का दौरा लेके जाती हैं ब्रेन तक या बाकी शरीर के अंगों में, उनके ऊपर भी हैं। तो ये वहां पे जाके जब वायरस जो है इन्फिल्ट्रेट करता है या मल्टीप्लाई करता है तो ब्लड वेसल्स पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, एंडोथेलियाइटिस बोलते हैं जिसको हम, उससे छोटे छोटे हमारे क्लॉट बनते हैं, वो हार्ट में जाके हार्ट अटैक करते हैं, ब्रेन में जाके स्ट्रोक करते हैं, किडनी में जाके वहां पे जो क्लॉट बनता है, तो बहुत सारे अंगों में जाके जो है अलग अलग विभिन्न लक्षण होते हैं, स्किन में भी लक्षण हो सकते हैं जी। तो जैसे हमारे न्यूरोलॉजी की बात करें, हमने पब्लिश भी किया है, इट इज जस्ट नॉट कफ फीवर एंड ब्रेथलेसनेस, तो हेडेक बड़ा कॉमन सिम्टम है, डिजीनेस जिसको हम चक्कर आना जैसे जिसको बोलते हैं आम भाषा में, वो एक बहुत कॉमन है,
उसके साथ साथ दौरे भी आ सकते हैं, सीजर जो है, बहुत थकावट हो सकती है। ये भी देखा गया है कि कुछ पेशेंट जो है स्ट्रोक के साथ आए हैं, जिसको हम लकवा या पक्षाघात की बीमारी बोलते हैं, या कुछ लोगों को आए हैं, एडमिट हुए हैं रेस्पिरेटरी सिम्टम्स से, लेकिन ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान या पिछले आगे के 3-4 दिनों में उनको स्ट्रोक या हार्ट अटैक्स हुए हैं। जी, तो बहुत सारे जैसे जैसे बीमारी के बारे में पता लग रहा है और हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। इसका एक और आपको मैं बेनिफिट बता दूं कि जैसे जैसे वायरस के बारे में हमें पता लगा, तो आपने देखा होगा कि हमारा केस फर्टेलिटी रेट कम हुआ है। जी, हमारा ही नहीं, पूरे विश्व में कम हुआ है। इवन यूएसए में, ब्राजील में जितना पहले केस फर्टेलिटी रेट था या मोर्टेलिटी जितनी हो रही थी, तो हमारे देश में तो अब ये 2% रह गई है। 2%, तो इतना ही, 2 से 3%, अब यूएसए में भी 3% है और ब्राजील में भी 3 के आसपास है। तो ये हुआ ये है कि पिछले कुछ महीनों में हमें वायरस के बारे में, इसके मैकेनिज्म के बारे में, इसके ट्रीटमेंट के बारे में काफी अच्छी जानकारी मिली है, और हम उस ट्रीटमेंट मोडेलिटीज को, हमें पता है कि कौन से मरीज को कौन सी ट्रीटमेंट मोडेलिटी ज्यादा काम करेगी और किस समय पर देनी है, तो वो उसमें हमें बहुत एक्सपीरियंस हुआ है, बहुत लर्निंग हुई है। दवाइयां भी 1-2 नई आई हैं, लेकिन हमें पता लगा है कि कौन सा मरीज अब ज्यादा सिक होने वाला है, वो हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और उस वजह से हमारी जो केयर ऑफ सिक पेशेंट इन दी हॉस्पिटल है वो बहुत अच्छी हो गई है। जी, और ये बहुत एडवांटेज हुआ है, इसलिए हमारा जो मृत्यु दर है, जो मोर्टेलिटी रेट है, वो कम है। और ये सारे देश, सारी विभिन्न विभिन्न देशों में ये देखा गया है कि सभी देशों में ऐसा हुआ है कि आपकी मोर्टेलिटी दर जो है पिछले 1 महीने में या 2 महीने में बहुत कम हुई है। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर साहब आपने हमें बताई, और जैसा कि हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जैसे कि लॉस ऑफ टेस्ट हम कह सकते हैं, या इस तरह की सूंघने की जो शक्ति है, ये इस तरह के आपके पास कैसे केसेस आ रहे हैं? ये तो शुरू से ही हमने देखा है कि 50% पेशेंट्स में एनोस्मिया या लॉस ऑफ स्मेल या सूंघने की शक्ति जो कम होती है, ये शुरू से देखा गया था, लेकिन ये नहीं पता था कि ये दूसरे सिम्टम्स के साथ कोरिलेट कैसे हो सकता है। तो जो दो चीजें जो देखी गई, एक तो आपकी जो टेस्ट का जो लॉस है और एक तो स्मेल का लॉस है, ये बहुत जल्दी आती है, अर्ली सिम्टम्स हैं ये, और WHO ने भी अपने सिम्टम्स की लिस्ट में इन दोनों को शामिल किया हुआ है। और ये भी देखा गया है कि कुछ पेशेंट को जो एसिम्टोमेटिक है उनको सिर्फ यही हुआ है, या प्री सिम्टोमेटिक है उनको सिर्फ लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट हुआ है। तो इससे ये पता लगता है कि अगर आपको बुखार नहीं भी है बहुत तेज, या आपको खांसी नहीं भी है, लेकिन आपको लॉस ऑफ स्मेल या लॉस ऑफ टेस्ट हुआ है, तो आपको शायद कोरोना हो सकता है और आप जाके टेस्ट कराएं। तो ये भी एक अर्ली सिम्टम है जिससे आपको ये लग सकता है कि हाँ भी ये दिस कैन बी ए COVID-19 डिजीज, जो कि सिर्फ आपको दो ही चीजें हैं। सो इट कैन प्रिडिक्ट दैट दीज पेशेंट्स नीड टू बी टेस्टेड, इतनी जल्दी हो सकती है उसको टेस्ट कराएं ताकि औरों को ना फैले। जी, और डॉक्टर धमीजा, बहुत सारे हमारे लिसनर्स हैं जो आपसे सवाल करना चाहते हैं, वो कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे दिल्ली का, जहां से हमारे साथ वजीर जी जुड़ चुके हैं। हेलो वजीर जी, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार, धन्यवाद सर। मैं ये पूछ रहा था कि सर की ये मार्केट में ये जो जनरल मार्क आ रहा है, जो कि 15-10 रुपए में बिक रहे हैं, जो कि वेलवेट है, जॉर्जेट है, गोजरी है, लैलून है, इस तरह से मास्क बिक रहे हैं और लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, ये कितना कारगर है सर, यही पूछना था सर। डॉक्टर धमीजा, इस समय मास्क एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी बार बार कह रहे हैं कि हम सभी को मास्क लगाना चाहिए, लेकिन जब भी कोई आम इंसान मास्क की बात करता है, बाजार में मास्क खरीदने जाता है, तो किस तरह का मास्क उसे यूज करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसके क्या प्रोटोकॉल्स हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि कौन सा मास्क कौन से लोग पहन सकते हैं, पहनना चाहिए, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि आज की तारीख में जो मास्क है वो सबसे सस्ती और सबसे अच्छी वैक्सीन है। जी, कोई भी वैक्सीन अगर आएगी मार्केट में, या जो इंस्टीट्यूशन इतना अग्रेसिवली लगी हुई है, बड़ी तेजी से वैक्सीन डेवलपमेंट का काम चल रहा है, और 140 के आसपास कैंडिडेट वैक्सीन के ऊपर शोध चल रहा है, अगर ये वैक्सीन आएगी, जब भी आएगी, तो ये भी 60-70% केसेज में ही इफेक्टिव रहेगी। जबकि अगर आप मास्क पहने, प्रॉपरली मास्क पहने, अच्छे तरीके से पहने, और डिस्टेंस रखें दूसरे लोगों से, और हाथ हैंड हाइजीन रखें, तो आप 95% बच सकते हैं। तो मास्क तो आपसे, आपकी आने वाली वैक्सीन से भी ज्यादा इफेक्टिव है, और ये बिल्कुल सस्ता है, कोई इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। आप मास्क पहने और अच्छे से पहने, और जब भी बाहर निकले तो जरूर पहने। तो ये तो बात मास्क की इम्पोर्टेंस की है, कि आज की तारीख में बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
आप ये सोशल वैक्सीन कहिए इसको, जैसे हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, या कम्युनिटी मास्किंग कहिए कि सब लोग मास्क पहने तो वो वैक्सीन है। तो ये चीजें इम्पोर्टेंट है कि मास्क बहुत जरूरी है, और रही बाकी कौन सा मास्क पहने तो ये डिपेंड करता है कि आप बाहर जा रहे हैं आम जनता में हैं या आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं एज ए डॉक्टर एज ए हेल्थ केयर वर्कर, तो अलग अलग टाइप के मास्क हैं। तो सिंपल मास्क जैसे टू लेयर मास्क जिसको हम बोलते हैं, जो कि किसी भी कपड़े की दो लेयर से बनाया जा सकता है, आम लोगों के लिए वो बहुत है, उतना ही बहुत है कि आप सिंपल मास्क या तो घर पे बना लें या फिर जो है आप मार्केट से खरीद लें। मास्क जो है ये आपको आपकी जो हम बाहर हवा निकालते हैं फेफड़ों से सांस के दौरान एक्सपिरेशन में, उस हवा को अब जो फिल्टर करता है ताकि उसमें कीटाणु जो है वो जो है वो फिल्टर हो जाए। तो टू लेयर मास्क जो है वो उसका सिंपल प्रिंसिपल है कि फिल्ट्रेशन का जी। जो इसके बाद वाला मास्क है जिसको मेडिकल मास्क या सर्जिकल मास्क बोलते हैं, जो हॉस्पिटल हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज रहता है दो लेयर्स या तीन लेयर्स के बीच में, दैट इज ट्रिपल लेयर मास्क जिसको हम बोलते हैं, सर्जिकल मास्क भी कहा जाता है और यूएसए में इसको मेडिकल मास्क कहा जाता है। तो ये ट्रिपल लेयर मास्क है, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज रहता है जो वायरस को ट्रैप करता है। तो वो उन लोगों के लिए जो हॉस्पिटल में रोज जा रहे हैं काम कर रहे हैं, जिनको खतरा है कि कोई भी जो है हॉस्पिटल में पेशेंट जो है वो पॉजिटिव हो सकता है, तो उनके लिए ट्रिपल एयर मास्क या मेडिकल मास्क पहन सकते हैं। और इसके अलावा जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो लोग ऑपरेशंस कर रहे हैं, जो एरोसोल जनरेटिंग प्रोसीजर्स कर रहे हैं जिसमें चांसेज रहते हैं कि वायरस डायरेक्टली आपके जो सामने है फेस पे है, तो उनके लिए हम N95 मास्क कहते हैं। वो भी एक जो है स्पेशल तरीके का मास्क है जिसमें वायरस जो है 0.3 माइक्रोन साइज के नीचे वाले जो, उस साइज तक के जो कीटाणु हैं, चाहे वो वायरस है बैक्टीरिया पैरासाइट है, 0.3 माइक्रोन से ऊपर के जितने भी कीटाणु हैं सब जो है ट्रैप हो जाते हैं, फिल्टर हो जाते हैं, तो उसमें तकरीबन सारे वायरस आ जाते हैं। सो जो फ्रंट लाइन डॉक्टर्स हैं नर्सेज हैं उनके लिए N95 मास्क है। जो बाकी एम्प्लॉयज हैं हॉस्पिटल में जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं है COVID-19 पेशेंट्स के, उनके लिए ट्रिपल एयर मास्क है, और जो बाकी की आम जनता है उनके लिए डबल एयर मास्क जो कपड़े का है वो है। जी डॉक्टर धमीजा, आपने बड़े विस्तार से हमें डबल लेयर मास्क, ट्रिपल लेयर मास्क और N95 मास्क के बारे में बताया, और अब हम रुख करेंगे जयपुर का, जहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं महन जी। महन जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी महन जी, अपना सवाल पूछिए। महन जी आपको हमारी आवाज आ रही है? सर नमस्कार। जी नमस्कार, नमस्कार डॉक्टर साहब को भी नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर, हम गार्ड की ड्यूटी करते हैं, बराबर मास्क भी लगा के रहते हैं, ड्राइवर लोग यहाँ एक कंपनी है व्हीकल रिपेयर होते हैं जी, तो ये कोरोना वायरस से और क्या क्या बचाव करने चाहिए? मास्क वगैरह तो हम कंटिन्यू लगा के रखते हैं ड्यूटी टाइम में। जी बहुत अच्छा सवाल इन्होंने पूछा है। गार्ड की नौकरी करते हैं, और गार्ड एक ऐसा व्यक्ति होता है कि जो भी व्यक्ति किसी भी प्रतिष्ठान में अगर प्रवेश करता है तो सबसे पहले उसका इंटरेक्शन इन्हीं से होता है, तो वो अपने लिए और क्या कर सकते हैं? मास्क लगाते हैं। देखिए एक तो इम्पोर्टेंट है कि मास्क पहने, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये भी है कि मास्क को प्रॉपर तरीके से पहने ताकि कहीं से भी लीकेज ना रहे। सो आपको टाइटली जो है नाक को कवर करें। मैंने ये भी देखा है, आपने भी देखा होगा, बहुत सारे लोग मास्क लगा के घूमते हैं लेकिन नाक के नीचे लगाते हैं जी। तो मास्क को प्रॉपरली जो है कवर करें नाक को भी फेस को भी, और कहीं से भी लीकेज ना हो। तो एक प्रॉपर तरीका है मास्क पहनने का, वो पहने, और फिर उसके बाद जो है डिस्टेंस रखें, किसी के भी इतने क्लोज नहीं आए, मिनिमम 2 मीटर का डिस्टेंस रखें या 6 फीट का, और बार बार जो है हाथ धोएं। और अगर इनको खुद को लगता है कि तकलीफ है, बुखार हो रहा है या इनको खांसी है या इनको लिथार्जी है या वीकनेस है या थकान बहुत ज्यादा है, तो फिर ये अपनी ड्यूटी पे ना जाए जी। तो दूसरों से भी ये आपने देखा होगा, गार्ड की एक ड्यूटी ये भी रहती है कि सभी लोगों का टेम्परेचर चेक करें जब आते हैं, जब जितने भी विजिटर्स हैं या आगंतुक हैं, तो उनके भी इतने करीब मत जाएं, अपना डिस्टेंस बना के रखें और प्रॉपर मेंटेन करें और हैंड हाइजीन रखें और रेस्पिरेटरी हाइजीन रखें। जी डॉक्टर साहब, आपने बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पे उठाया है, क्योंकि जो टेम्परेचर चेकिंग है ये किसी भी प्रतिष्ठान में प्रवेश के पहले की जाती है, और नॉर्मली लोग खुद लोगों के पास ना जाके अपने हाथ को आगे बढ़ाएं और उनका टेम्परेचर लें ताकि जो सुरक्षित दूरी है उसका पालन किया जा सके। और अब हमारे साथ बिजनौर से आसिफ जी जुड़ चुके हैं। हेलो आसिफ जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार मेरा। नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो वैक्सीन आएगी है
जी. तो ये कोरोना पॉजिटिव के लिए काम करेगी या वैसे भी नॉर्मल आदमी के लिए भी काम कर सकती है, ये पूछना चाह रहा हूँ सर मैं. जी डॉक्टर धमीजा, ये पूछना चाह रहे हैं कि जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनके ऊपर ही ये वैक्सीन इफेक्टिव होगी या हर तरह के लोगों के ऊपर ये वैक्सीन काम करेगी. वैक्सीन जो है उसका मेन काम ये रहता है कि प्रिवेंशन के लिए. तो वैक्सीन उन लोगों को दी जाती है जिनको हमने प्रोटेक्ट करना है, जिनको जो कोविड इन्फेक्शन नहीं हुई है और उनको कोविड 19 इन्फेक्शन से बचाना है. तो वैक्सीन पॉजिटिव लोगों को के लिए नहीं है, वैक्सीन उन लोगों के लिए जिनके लिए इन्फेक्शन नहीं हुई है और एक्सपोजर के लिए उनके रिस्क ज्यादा है या सभी को रिस्क ज्यादा है. तो सभी को अगर वैक्सीन आएगी और सबके लिए आएगी तो सभी को मिलेगी. लेकिन अभी इस स्थिति में है कि जिन लोगों को कोविड नहीं हुआ है उनको बचाया जाए और उसका एक तरीका ये है कि वैक्सीन दी जाए. जिन लोगों को हो चुका है कोविड पॉजिटिव है अभी तक हमें ये पता है कि उनके अंदर जो है प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी है या उनके अंदर प्रतिरोधक क्षमता है वायरस के लिए, क्योंकि उनको हो चुकी है, बॉडी उनकी जो है डिवेल्प कर चुकी है प्रोटेक्शन जो है एंटीबॉडीज है. लेकिन अभी ये नहीं पता है कि एंटीबॉडीज कितने टाइम तक रहेंगी या उनके जो इम्यूनिटी है, जो सेल इम्यूनिटी है वो कितने टाइम तक रहेगी. लेकिन ये जरूर है कि वैक्सीन प्रिवेंशन है ना कि ट्रीटमेंट है. जी, तो और अब हम रुक करते हैं चूरू का, जहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं ओम प्रकाश जी. ओम प्रकाश जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है. जी डॉक्टर साहब को भी नमस्कार. हाँ, ये समाचार पत्रों में टीवी में आता है कि ये वैक्सीन जल्दी अंतिम प्रक्रिया में है. जी जी. और तो जनता के लिए कब तक उपलब्ध होगा, एक तो ये क्वेश्चन है. एक दूसरा, आयुर्वेदिक होम्योपैथिक या देशी नुस्खे इस बीमारी में कितने कारगर है. जी डॉक्टर धमीजा, पहली चीज तो ये है कि वैक्सीन कब तक आएगी, क्योंकि बहुत सारे देशों में इसके ट्रायल्स चल रहे हैं, चाहे हम सेकेंडरी बात करें या टर्शरी ट्रायल्स की बात करें, सेकेंड जिसको हम मतलब सेकेंड फेज और थर्ड फेज का नाम दे रहे हैं. तो क्या कुछ है इसमें? ये बहुत मुश्किल सवाल है कि कब तक आएगी. बहुत तेजी से काम चल रहा है और इसकी एक बड़ी प्रक्रिया है जो बड़ी जटिल प्रक्रिया है. जैसे हम पहले लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद फिर हेल्दी वॉलंटियर्स में देखते हैं सेफ है कि नहीं है, एफिकेसी है कि नहीं है, जिनको हम फेज वन बोलते हैं. तो प्री क्लिनिकल फिर फेज वन है और जिसमें हेल्दी वॉलंटियर्स थोड़ी मात्रा में है देखने के लिए कि इफेक्टिव है कि नहीं है, सेफ है कि नहीं है. फिर फेज टू में कुछ सैकड़ों लोगों को देते हैं और फेज थ्री में हजारों लोगों को देते हैं. जी, तो ये प्रक्रिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. रेगुलेटरी अथॉरिटीज हर चीज पे नजर रखती हैं, सेफ्टी के ऊपर भी, डोज के ऊपर भी, एफिकेसी के ऊपर भी. तो ये सब कार्य बहुत तेजी से चल रहा है क्योंकि ये वैश्विक महामारी है और सभी देश इसके लिए लड़ रहे हैं और बहुत सारी कंट्रीज ने जैसे भारत में भी इनके फेज टू और फेज थ्री ट्रायल चल रहे हैं और जितनी जल्दी हो सकती है सभी की ये कोशिश है कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन आए. लेकिन मेरा एक दूसरा जो है इसके ऊपर विचार है कि जब भी वैक्सीन आएगी तो सबको मिले, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. इतनी डोजेज में मिले, ऐसा ना हो कि सिर्फ अमीर कंट्रीज को मिले या एक ही देश में कुछ लोगों के लिए मिले कुछ लोगों को नहीं मिले. तो इक्विटेबल या इक्विटी होनी चाहिए, सभी जो लोग हैं उनको मिलने के लिए वैक्सीन की इतनी प्रोडक्शन होनी चाहिए. कुछ एक कंपनियों ने, कुछ एक देशों ने ये शुरू से अभी से ही बनानी प्रोडक्शन शुरू कर दी ये मान के कि वैक्सीन क्या में अभी रहेगी. ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है. जी. लेकिन ये इस दिशा में एक कदम है कि अगर ये वैक्सीन फेज थ्री ट्रायल क्रॉस कर गई तो फिर देर नहीं लगेगी क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जो है डोजेस तैयार होंगी और हम जो है पब्लिक के लिए तैयार रहेंगे. जब आएगी तब ये फैसला होगा कि पहले डॉक्टर्स को मिले, पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को मिले, पहले जो हाई रिस्क इंडिविजुअल्स हैं, एल्डरली हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको मिले. तो इन चीजों के लिए एक पॉलिसी बनेगी. मेरा ये मानना है कि सभी को मिलनी चाहिए, इतनी डोजेस बननी चाहिए कि सबको एक समान जो है रूप से मिले ये. जी, और जब तक वैक्सीन नहीं आ रही है तब तक जैसा कि आपने बात की डॉक्टर धमीजा, आप इसको सोशल वैक्सीन का नाम देते हैं मास्क को, तब तक आप मास्क लगाए रहें. ये बिल्कुल चीपेस्ट और बहुत इफेक्टिव है. ये वैक्सीन जब आएगी उससे भी इफेक्टिव है. जी, और अब हम रुक करते हैं जालंधर का, जहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं पॉल जी. हेलो पॉल साहब नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है. हाँ जी सर नमस्कार. जी डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार. नमस्कार सर, मैं जलंधर से पंजाब से बोल रहा हूँ पॉल जी. हमारा सर ये क्वेश्चन है कि बारबर में जाएं तो उसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे बाल कटिंग कराना जाना है तो बच्चों को भी लेके जाना पड़ता, साथ में उसको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए.
जी डॉक्टर। हेलो जी, जी। तो ये बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, व्यवहारिक है कि जो बार्बर सैलून्स हैं जब इनमें जाते हैं तो एक तो सैलून को पूरी तरह से सैनिटाइज करना चाहिए या बार्बर को जो है सैलून को अच्छे से जो है हर जो है क्लाइंट के बाद सैनिटाइजेशन होनी चाहिए और बार्बर को खुद को जो है पूरी सावधानी के साथ वो फेस शील्ड जो हम वाइजर बोलते हैं फेस शील्ड पहननी चाहिए जी, पूरा मास्क पहनना चाहिए और अपना जो है डिस्टेंस बना के जितना पॉसिबल है उतना रखना चाहिए और एट ए टाइम पे एक ही क्लाइंट को बिठाना चाहिए और उसके बाद जो है प्रॉपरली जो आपके क्लोथ हैं उनको भी जो है आप घर से पहले बाहर उतारें और शॉवर लें और जब जूते बाहर उतारें घर के अंदर जाके पहले कपड़े उतार के अलग रखें और फिर शॉवर लें और ये सावधानियां जो है बार्बर के लिए भी हैं सैलून के जो लोग हैं उनके लिए भी और क्लाइंट्स के लिए भी। और डॉक्टर धमीजा, स्वास्थ्य मंत्रालय की जो ई संजीवनी ओपीडी है ये टेलीमेडिसिन सेवा के लिए शुरू की गई है और इसमें बहुत सारे लोग इसमें अपना पंजीकरण ऑनलाइन परामर्श के लिए करा रहे हैं, इसके बारे में हमारे श्रोताओं से आप क्या बताना चाहेंगे? टेलीमेडिसिन हमारे देश में काफी टाइम से चल रही थी लेकिन अभी कोरोना के टाइम पे इसको लीगलाइज किया है और बड़ी तेजी से जो है ये आई है क्योंकि मरीज जो है इस समय जब लॉकडाउन हुआ था तो ना तो मरीज के लिए ट्रांसपोर्ट था अवेलेबल, ना ही हॉस्पिटल्स में भी कोविड की प्रायोरिटी थी कि कोविड हॉस्पिटल्स बन रहे थे और मरीजों को डर भी लग रहा था कि हॉस्पिटल में जाने से इन्फेक्शन हो सकती है। तो इसका एक अल्टरनेटिव जो है डिजिटल हेल्थ जो है हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय ने तकरीबन सभी हॉस्पिटल्स में टेली मेडिसिन की सेवा की जो शुरुआत की थी जी। जैसे हमारे हॉस्पिटल्स में भी सातों छह के छह दिन ये ओपीडी चलती है सुबह से शाम तक और हर डिपार्टमेंट के लोग आते हैं और मरीजों को वीडियो कंसल्ट के थ्रू अपनी राय देते हैं और एग्जामिन करते हैं और उनको जो उनकी प्रिस्क्रिप्शन है वो भी उनको व्हाट्सएप के द्वारा या फैक्स के द्वारा भेजी जाती है। तो ये बहुत आसान काम है, मरीज घर बैठे अपना जो है परामर्श ले सकते हैं, दवाइयों के लिए प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं और जो है अपना जो कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रीटमेंट है जैसे डायबिटीज वाले हैं, ब्लड प्रेशर वाले हैं या एपिलेप्सी वाले हैं, इस जो 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 क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि पीरियोडिकली जो है समय समय पर अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करते रहें और छोटी छोटी चीजों के लिए जो है वो हॉस्पिटल में ना जाएं जब तक ये बहुत जरूरी ना हो जी। तो टेली मेडिसिन सेवा जैसे कि आपने बताया कि ई संजीवनी के जरिए जो है हमारे श्रोता इसका लाभ उठा सकते हैं जी, उनका ही ये प्रोग्राम है और तकरीबन सभी हॉस्पिटल्स में इसको शुरू किया गया है। आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अपनी जो है हॉस्पिटल की ओपीडी की टाइमिंग के हिसाब से आप कॉल कर सकते हैं, खुद जिनका जिनसे आपका इलाज चल रहा है उन्हीं डॉक्टर से भी बात कर सकते हैं या उनके सिवा जो दूसरे डॉक्टर उपस्थित रहते हैं उनसे परामर्श कर सकते हैं। और श्रोताओं, अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, चलते चलते डॉक्टर धमीजा आप आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या टिप्स देना चाहेंगे और आप जो जन भागीदारी है इसके बारे में आप जरूर जागरूक करिए। हमारा ये जो कोरोना से लड़ाई है अभी जारी है, अभी हमारे नंबर अभी भी बढ़ रहे हैं और जो इसका एक ही तरीका है इसका बचने का कि हम सब सावधानी रखें। अगर हम ये मास्क पहने और हैंड हाइजीन रखें और जो है फिजिकल डिस्टेंस बना के रखें तो इसके इसका बेसिक प्रिंसिपल यही है कि अगर मैं मास्क पहनता हूं तो आई प्रोटेक्ट अदर्स और दूसरे लोग जो पहनते हैं वो दे प्रोटेक्ट मी, सो आई प्रोटेक्ट यू एंड यू प्रोटेक्ट मी, एक ये प्रिंसिपल भी है। इसके साथ साथ मास्क खुद को भी प्रोटेक्ट करता ही है लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम मास्क ये सब चीजें इसलिए पहनते हैं कि वायरस की जो चेन है उसको ब्रेक कर सकें और वायरस को फैलने से रोक सके। तो हम अपना भी बचाव करें और ये हमारी जिम्मेवारी है कि अपने जो हमारे साथ के लोग हैं जो सोसाइटी में लोग हैं हम उनका भी बचाव करें। अगर मैं सिर्फ एक चीज और ऐड करना चाहता हूं कि अगर आपको खुद को कोई तकलीफ रहती है, आपको बुखार है, आपको लगता है कि नजला है, वायरस के चांसेज हो सकते हैं, तो आप बाहर मत निकलें अनलेस आप टेस्ट कराने जा रहे हैं या डॉक्टर से मिलने जा रहे हैं जी। डॉक्टर जी, आप कोविड 19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने हमारे श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर हैविंग मी, आपको नमस्कार। और श्रोताओं, आप स्वस्थ और सुरक्षित रहते हुए दूसरों को भी सुरक्षित रखिए, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति, नमस्कार। कोविड 19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर राजेंद्र के धमीजा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।
इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट